हेलो गाइस, वेलकम टू डीजे मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज शी हल्क से रिलेटेड काफी कमाल की अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे उसकी कास्टिंग के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में, उसकी प्रोडक्शन की डेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे उसकी स्टोरी प्लॉट के बारे में, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे कि मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिले, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो इसी चक्कर में वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, डिज्नी प्लस ने अभी हाल ही में शी हल्क को अनाउंस करा। आप सभी जानते हो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। एक्साइटिंग फॉर अस, शी हल्क कमिंग टू डिज्नी प्लस। ब्रूस बैनर इज नो लॉन्गर द ओनली हल्क इन द एमसीयू। जेनिफर वॉल्टर्स इज अ हल्क, शी इज अ लॉयर, and she's going to star in a show unlike anything we've done before. उसी के बाद अब शी हल्क को काफी ज्यादा टाइम भी हो गया और कोई भी हमें ऑफिशियली अपडेट नहीं पता चला, पर कल और परसों के दिन ही पता चला कि शी हल्क की ऑफिशियली कास्टिंग हो चुकी है। और डिज्नी को काफी सारी चॉइस करनी पड़ी और फाइनल जो चॉइस हुई थी शी हल्क की, वो ही है तातियाना मिशेली। ये फाइनल कास्ट है जो कि शी हल्क का ऑफिशियली कैरेक्टर प्ले करने वाली है। और देन शी हल्क का जो कैरेक्टर है वो है जेनिफर वॉल्टर का, जो कि एक वकील का कैरेक्टर है। और स्टोरी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देन इसकी जो डायरेक्टर कन्फर्म हुई है, जो कि डिज्नी प्लस के लिए शी हल्क को डायरेक्ट करेंगी, उनका नाम है कैट कोरियो। अब ये एक ऑफिशियली कह सकते हो टीवी सीरीज ने ज्यादातर डायरेक्ट करी है, कोई भी एक मूवी या कोई बड़े लेवल की मूवी डायरेक्ट नहीं करी है, तो इनके बारे में कुछ ज्यादा मैं कह नहीं सकता। और कहना चाहूंगा तो मैं सिर्फ 2018 की मैंने एक मूवी देखी थी अलोन टुगेदर, तो वो ज्यादा मुझे खास नहीं लगी। पर अब मार्वल ने और डिज्नी ने जो फैसला करा डायरेक्टिंग को लेकर, अब वो सही करा होगा, क्योंकि मार्वल कोई भी गलती नहीं करता है। और उसी के साथ इसके प्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो ये फरवरी 2021 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि कास्टिंग और डायरेक्टिंग कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्टोरी और प्लॉट के बारे में। तो शी हल्क का जो कैरेक्टर है वो है एक जेनिफर वॉल्टर का, जो कि एक पेशे से वकील है, जो कि केस लड़ती हैं, और उसी के साथ उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और देन जब कह सकते हो गुनाह ज़्यादा बढ़ जाता है जनता में, आम न्यूयॉर्क पब्लिक में, तो वो ब्रूस बैनर का खून छड़ाती हैं अपने अंदर। ये स्टोरी है जो कि हमें डिज्नी प्लस की अपकमिंग टीवी सीरीज में देखने को मिलेगी शी हल्क में, और उसके बाद वो शी हल्क बन जाती हैं। अब यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट है स्टोरी में, यहाँ पर जब शी हल्क बनती हैं तो उनकी जो मानसिक संतुलन थे वो जो पहले थी शी हल्क बनने से पहले वैसे ही सेम रहता है। यानी कि यहाँ पे हल्क में और शी हल्क में डिफरेंस यही है कि हल्क, जब हमारा ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है तो उसका मानसिक संतुलन खो जाता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो सब चीज़ें तोड़ फोड़ देता है। पर शी हल्क में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बनती हैं तो उनके मानसिक संतुलन बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि वो शी हल्क बनने से पहले थी। तो यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है, और देन 2 एपिसोड तक तो हमें ऐसा ही दिखाया जाएगा कि जेनिफर एक बहुत अच्छी वकील होती हैं, पर कुछ कारण के चक्कर में उनको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है। और देन जब कह सकते हो न्यूयॉर्क में काफ़ी ज़्यादा बदमाशी होने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा अपराध होने लग जाता है, तो वो शी हल्क बनने का फैसला लेती हैं और ब्रूस बैनर का खून छड़ाती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ऐसा सीन हुआ देखने लायक, तो यहाँ पर मार्क रफेलो का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और हमें वो ब्रूस बैनर के रोल में दोबारा से शी हल्क टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगे। और आपको याद होगा कि जब शी हल्क की कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो मार्क रफेलो ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर उनको वेलकम करा फैमिली के लिए, कि वेलकम मार्वल फैमिली में। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और उसी के साथ मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शी हल्क के लिए। अब बात करते हैं इंडियन ऑडियंस के बारे में। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पर ये ऑफिशियली अनाउंस करा कि शी हल्क अनाउंस हो चुकी है, तो काफी लोग कह रहे थे कि ये इनकी जो बॉडी है ज्यादा फिटनेस नहीं है, और शी हल्क के लिए हमें कोई ऐसी एक्ट्रेस चाहिए जिसका सब कुछ बड़ा हो। मतलब हल्क बनने के बाद तो सब कुछ बड़ा हो ही जाएगा, फिर भी एक नेचुरल बॉडी तो होनी चाहिए जिससे दमदार दिखे। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, VFX आर्टिस्ट जो इतने कमाल के हैं कि वो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा तो 2 मिनट में कर ही देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो मार्वल ने फैसला करा है कास्टिंग को लेके, डायरेक्टिंग को लेके, वो सही करा होगा। और देन ओवरऑल शी हल्क 2021 से फरवरी के महीने से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे हमें काफ़ी सारे अपडेट भी पता चलेंगे, और जो भी अपडेट पता चलेंगे मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।